भारत के भूभाग में रहने वाला हर हिंदू है, वो उसकी पूजा पद्धति अलग है। उसकी पूजा पद्धति ये कैसे अलग हो सकती है कि भारत भूभाग में रहने वाला आदमी, उसकी पूजा पद्धति यह है कि मेरी पूजा पद्धति के अलावा मैं किसी को नहीं मानता और उसका एग्जिस्टेंस भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसका वजूद, उसका अस्तित्व नहीं मैं एक्सेप्ट करता, तो फिर ये कैसे संस्कृति वाले लोग हो गए, फिर ये कैसे साथ रहने वाले लोग हो गए। इसलिए हर मुसलमान ईमानदार है और सच्चा है और कुरान को मान रहा है। इसीलिए आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, ये सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन हमारे देश का मक्कार हिंदू संगठन, मक्कार हमारे इंटेलेक्चुअल, वो क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, देखिए ये कट्टर मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है, क्योंकि वो अपनी कायरता और अपना जो उसने पूंजी इकट्ठी की है और जो पूरे संसार में जगह बनाई है समाज में, वो बनी रहे वही उन्होंने टूट जाए, इसलिए वो सुबह शाम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाई वो भाई। और अब तो ये हाल हो गया कि जो सरेआम मारा जा रहा है, इसमें भी फर्क है कि अगर मुसलमान लड़की हिंदू के साथ भागती है तब तो ये काबिले कबूल नहीं है, तब ये कोई भाईचारा नहीं है। नो 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 नो, ये नहीं कोई भाईचारा है। हिंदू लड़की को जब तक कोई पंचर जोड़ने वाला भगा के न ले जाए, वो तो देखिए ये दो संस्कृतियों का मिलन है, तब तो मक्कार कुछ विज्ञापन कंपनियां भी मक्कारी का विज्ञापन बनाते हैं और ये बताते हैं कि वो हिंदू लड़की मुसलमान के घर शादी होके आ गई तो उसकी सास पूछती, वो सास से पूछती है कि मां आपके यहां तो ये रस्म नहीं होती, तो वो मक्कार मुसलमान सास ये कहती है बेटा बेटियों के लिए तो सारे रस्में बदली जा सकती हैं, तो टीवी पे तो ये दिख रहा है और जमीन पे क्या हो रहा है। प्रिया, अभी जो घटना घटी है सोनभद्र में, पूरे देश में क्या हो रहा है, हर दिन 4-5 ऐसी खबरें आती हैं, मुसलमान लड़के ने मुसलमान हिंदू लड़की से शादी की, फिर कुछ दिन के बाद उससे कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो, उसने मने करा तो उसको अपने दोस्त से रेप भी कराया और टुकड़े करके आपने उसको गाड़ भी दिया। और तो और छोड़िए, आईएस में दो लोग आ गए थे, हमारी एक दलित बहन वो आ गई, तो साहब ये हुआ, देखिए साहब एक मुसलमान लड़के ने दलित लड़की से शादी की है और 2 साल बाद क्या हुआ। तो विज्ञापन दिखा करके भी आपके जहनों को ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको लगेगा इतनी बड़ी कंपनी विज्ञापन बना रही है तो सही दिख रहा होगा, लेकिन जमीन पे तो हम रोज दिख रहे हैं कि अटैची के अंदर से हिंदू लड़की की लाश निकल रही है। अभी लखनऊ के विधानसभा के बाहर एक मैडम थी, तिवारी नाम था उनका, शादी करने के बाद आयशा हो गई और फिर आयशा को उसका पति छोड़ के भाग गया क्योंकि धंधा कराने लगा, जब वो छोड़ के भाग गया तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो बीच चौराहे पे खड़ी है, पुराने घर जा नहीं सकती, आग लगा ली उसने, आए दिन ये हो रहा है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, विज्ञापन के माध्यम से कुछ मक्कार दलाल इस देश के बिजनेस के नाम पे देश की औरतों, हिंदू औरतों को बेचने वाले, उनका धंधा करने वाली कंपनियों ने यह विज्ञापन बनाना शुरू कर दिया है। फिल्मों में एक एजेंडा है, जो मैंने कहा कि आपकी मनोरंजन इंडस्ट्री पूरे तौर से जिहादियों के हाथ में चली गई, वहां भी यही नरेंडे चलेगा। और यह सिर्फ 2 पैसे वालों का मामला है, इसमें कोई धर्म वर्म मजहब का मसला नहीं है, लेकिन नीचे जो जमीन पर हो रहा है, अपर कास्ट की लड़की को भगा के लाओगे तो एक मोटरसाइकिल भी देगा जो जकात के पैसे से आ रही है, जकात के पैसे से आईएएस और पीसीएस पैदा करो, उर्दू सब्जेक्ट के माध्यम से घुसो। और इस देश की सरकारें इतनी बौनी और इतनी मक्कार हो गई हैं कि व्यवस्था के अंदर आईएएस का इम्तहान देगा तो मुसलमान को 9 बार चांस है बोलने अटेम्प्ट करने का और हिंदू को 6 बार है, सरकारें भी उसे 1-1 लाख रुपया दे रही हैं। महाराष्ट्र में अल्ट्रा सरकार आ गई है तो वहां यह कहा गया है कि जो कमजोर, मासूम, मजलूम, महरूम, ये जो मुसलमान हैं, इनको 1,000 रुपए की रोजाना डाइट दी जाएगी, जूते दिए जाएंगे, ड्रेस दी जाएगी, ये तैयारी करेगा, फिर पुलिस में आएगा, फिर पुलिस में भर्ती होने के बाद ये मंजूर आलम बन जाएगा, जो मेरठ का एसएसपी एक मक्कार था, फिर ये चरखी दादरी में बैठने वाला फखरुद्दीन जज बनेगा, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में 2 लोग गए उसके यहां, तो मुसलमान से वो जज कहता है
कि तू धब्बा है मुसलमानों के ऊपर जो हिंदुओं से पिट के आ गया, रिवाल्वर निकाल के दो गोली मारता, मैं तो यहां बैठा था तुझे छुड़ाने के लिए। ये हो रहा है, इसलिए सनातन की भूमिका इसलिए जरूरी है भाई। भारत माता की जय करने से भारत माता मजबूत नहीं होने वाली। ये जो मक्कारी होती है ना टेलीविजन में, भारत माता की जय करो, भारत माता की जय करो, उससे क्या होने वाला है? बहुत बात सारी बातें लोग इस दबाव में कह देते हैं, यार चलो आज इनकी गिनती ज्यादा, हम कह देते हैं क्या पड़ता है। वो कह के भी तो गया था, जिस मक्कार को इस देश के लोगों ने राज्यसभा में भेज दिया था, राष्ट्रपति के कोटे से वो गया था जिहादी जावेद अख्तर, उसने भी तो भारत माता कह दिया था, फिर वो तो शाहीन बागियों के साथ खड़ा हुआ था। और एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ने एक टेलीविजन के एंकर से इसलिए लोग नाराज हैं कि वो खुली खुली बात कर रहा है, साफ शब्दों में बात कर रहा है, वो सनातन की बात कर रहा है, वो राष्ट्र की बात करता है, वो पालघर पे सवाल पूछता है तो लोग उसको बुरा लगता है, क्योंकि ये नैरेटिव तो इस देश के मक्कार मुसलमानों के पास और वामपंथियों के पास था, इंटेलेक्चुअल्स के पास था, कि भाई ये सवाल सिर्फ यही पूछ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं पूछ सकता। अखलाक की कहानी सबको पता है, उसके घर के बारे में पता है, मूसा का बाप गरीब हेडमास्टर था ये सबको पता है, अफजल गुरु की मां परेशान थी सबको पता है, लेकिन 150 से ज्यादा हिंदू 2014 से मारे गए अलग अलग, उनके बारे में नहीं पता, क्यों जाने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 79 में मॉब लिंचिंग हुई थी, प्रदीप जौहरी नाम के लड़के को मारा था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लड़कों ने, ये नहीं पता। ये वामपंथियों को देखता हूं बड़े मक्कार है इस बारे में। अच्छा कुछ तो वामपंथी समझता हूं पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं हम हैं 3 में ना 13 में, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई में लड़े हुए, मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, और कोई औकात नहीं इनकी, पूरी दुनिया से लात मार के निकाल दिए गए। इनकी फिलॉसफी है कि सत्ता की प्राप्ति बंदूक की नली से होती है, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये लुटेरे ये हत्यारे। लेकिन आज की जनरेशन को मूर्ख बनाने के लिए बड़े बड़े अजीब अजीब नारे अजीब अजीब बातें इधर की उधर की, देखिए ऐसा है वैसा है फलाना है धमाका है। इसलिए मैं कुल मिलाकर के आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप सही को सही कहने की हिम्मत जब यहां होगी और यहां से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आप तय कर लें कि आप किधर खड़े हैं, सच बोलना है या झूठ बोल के कुछ प्राप्ति करने के लिए लाइन में खड़ा होना है, कि यार क्या फर्क पड़ता है, हिंदुत्व की चादर ओढ़ो कुछ प्राप्त करो उसके बाद बाहर में जाओ, कौन पूछने वाला है, हजारों लोग आए हजारों चले गए, कोई नहीं पूछने वाला। जिसको सबसे ज्यादा गाली पड़ती है वही बड़ा काम करके जाता है, क्योंकि उसे सबको खुश नहीं करना होता, उसे राष्ट्र को खुश करना होता है। इसलिए बड़े सारे लोगों को तकलीफ है सत्ता के दो लोगों से, और मुझे उन दो के अलावा सबसे तकलीफ है। सब सत्ता के खेल में लगे वो नहीं लगे हुए, चुनाव जीतना ये गलत है, लेकिन राष्ट्र बतेगा तब तो देश की बात कुछ होगी ना, तब ये राष्ट्रपति भवन महफूज रहेगा ना, सेना तो आप विदेशी ताकतों से लड़ेगी, लेकिन देश के अंदर जो 30-35 करोड़ खुले आम टीवी जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, हर चीज में चल रहा है, उसको आप कैसे रोकेंगे? सेना आएगी आपके पड़ोस में, जगह जगह मस्जिदें, जगह जगह मजार, जिन्हें कौन सा सालम वीर मुफ्ती मर जाता है जिसकी मजार बना देते हैं, ये दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के बराबर के अंदर, कोई मजा ले कोई आदमी फुटपाथ पे दुकान लगा दे, लेकिन मजार जो मेरे सामने 1989 के अंदर छोटी सी थी वो बन के संगमरमर कितनी बड़ी बड़ी बन गई, एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद थी वो मस्जिद में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, नमाज भी हो रही है, अजान भी हो रही है, वही एयरफोर्स भवन है, और उसके फुटपाथ पे भी एक मजार बन गया, वहां भी क्या कहते हैं उर्स चल रहा है, वो जाने कौन मर गया था उसका उर्स भी होने लगा, और सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत बेहतरीन साफ सुथरे टॉयलेट बना दिए हैं, तो और कोई काम ही नहीं है। इस देश में हर हिंदू को हर लाश के ऊपर मत्था रगड़ने की आदत पड़ गई है, दुनिया का सबसे सशक्त धर्म, दुनिया की सबसे पावरफुल सभ्यता के लोग चलते फिरते अपनी सर कहीं भी झुका देते हैं और इसे बताते हैं कि हम कितने महान हैं, पता ही नहीं है कि साले डकैत की खबर बनी हुई है, वो कहीं भी हो पूरे देश में ऐसा प्रचारित किया जाता है, हो शांति का दूत लेटा हुआ है अजमेर में, ये शाह वली उल्लाह की खबर है किसी को पता ही नहीं है कौन आदमी है,
ये शाह वलीउल्लाह कौन था और किसने इसको बुलाया था? अहमद शाह अब्दाली को किसने बुलाया था? शाह वलीउल्लाह टाइप के एक मक्कार ने बुलाया कि हिंदुस्तान में इस्लाम कमजोर हो गया है, आप आइए। हो रहा है, उसकी मजार पे भी जाते हैं। या नहीं, जिनके अंदर पूरी दुनिया का सबसे ज्ञान था वो आज इतने कमजोर हो गए हैं कि लाशों पे जाके सर पटक के उससे मांगते हैं कि कुछ मिल जाएगा हमें। वो चमत्कार के चक्कर में है, वो झूठ फरेब के चक्कर में है,